नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारा ये अगला वीडियो है भी नंबर या नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर का एक चैप्टर होता है भी नंबर, जो कि न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल से रिलेटेड होता है। भी नंबर जो है ये किसी भी मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिटेड नंबर ऑफ मोड की जो अपर लिमिट है उसको एक्सप्लेन करता है। मतलब भी नंबर से हमें यह पता चलता है कि जो नंबर ऑफ मोड है, मतलब जितने मोड से, मोड का मतलब होता है दोस्तों पाथ, ऑप्टिकल फाइबर में कितने पाथ से लाइट मूव करता है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको भी नंबर एक्सप्लेन करता है। दोस्तों पाथ का मतलब होता है अगर कोई लाइट स्ट्रेट लाइन सीधी जा रही है, मतलब जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तब एक लाइट का दूसरे लाइट से ओवरलैपिंग नहीं होगा एक तब उसे बोलेंगे सिंगल मोड। अगर एक लाइट का दूसरे लाइट से ओवरलैपिंग होता है और उसका जिग जैग पाथ होता है तब उसे बोलते हैं मल्टी मोड। ये जो भी नंबर है ये कोर के डायमीटर पर, न्यूमेरिकल अपेर्चर पर और जो उसमें लाइट यूज होता है उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये वी नंबर जो है दोस्तों ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और वी नंबर से ये पता चलता है कि कोई भी ऑप्टिकल फाइबर में कितना मोड सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसी ऑप्टिकल फाइबर में मल्टी मोड है या सिंगल मोड है, नंबर ऑफ मोड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं वी नंबर के द्वारा। वी नंबर से ये पता चलता है कि ऑप्टिकल फाइबर का टाइप क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस टाइप का है, ये भी हमें वी नंबर के द्वारा पता चलता है। तो दोस्तों भी नंबर को इस फार्मूले से एक्सप्लेन किया जाता है 2 पाई ए अपॉन लैम्डा एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर को न्यूमेरिकल अपेर्चर कहते हैं। न्यूमेरिकल अपेर्चर क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल अपेर्चर से पता चलता है कि लाइट की कितनी क्वांटिटी फाइबर में इंटर कर रही है, ये हम न्यूमेरिकल अपेर्चर में हमारे वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों ए क्या होता है यहाँ पे कोर का रेडियस, लैम्डा क्या है फ्री स्पेस में वेवलेंथ, फ्री स्पेस का मतलब कि जब जो लाइट फ्री स्पेस में मतलब एयर में मूव कर रही है उसका वेवलेंथ, एन वन क्या है कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, N2 क्या है क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। दोस्तों कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसलिए अधिक होता है ताकि इसमें क्रिटिकल एंगल फाइंड हो सके और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हो सके, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कोर पर इंटर इंसिडेंट होता है और वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से अधिक हो रखा जाता है और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है। दोस्तों हम न्यूमेरिकल अपेर्चर में देख लिए हैं, जानते हैं न्यूमेरिकल अपेर्चर से कि एन ए इक्वल टू होता है एन वन स्क्वायर रूट टू डेल। दोस्तों ये डेल जो है ये फ्रैक्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है जो कि प्रीवियस वीडियोस में बताए गए हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल अपेर्चर की जो वैल्यू है ये ऊपर वाले फार्मूले में, यहाँ पे हम जब पुट करेंगे इस फार्मूले में, जब हम पुट करेंगे न्यूमेरिकल अपेर्चर की वैल्यू यहाँ पर, तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा बी नंबर का वैल्यू कुछ इस तरह से। तो बी इक्वल टू होगा 2π/ लेमडा एन वन रूट टू डेल। डेल क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू होती है एन वन माइनस एन टू अपॉन एन, मतलब कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस अपॉन कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये फ्रैक्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। दोस्तों यदि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड जो कि स्टेप इंडेक्स फाइबर सपोर्ट करता है, अगर उसकी संख्या को एन मैक्स से रिप्रेजेंट करें तो स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए एन मैक्स इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन टू। स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या है दोस्तों, फाइबर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर, एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स का मतलब कि कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है और एक समान होगा, और क्लैडिंग का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो
कांस्टेंट होता है, और कोर और क्लैडिंग के बीच का जो बाउंड्री लाइन होती है वहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज होता है। मतलब कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिक होगा और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे सडनली कम होगा, तब इसे बोलते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर में अगर नंबर ऑफ मोड हम एन मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन मैक्स इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन टू। वी की वैल्यू दोस्तों ऊपर ये लिखी गई है, यहां से भी की वैल्यू को हम पुट करेंगे जो कि इक्वेशन फर्स्ट में भी दिखाया गया है। तो जब भी की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा एन मैक्स इक्वल टू, चूंकि यहां भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों जो नंबर ऑफ मोड है वो इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब मोड की संख्या बढ़ाई जा सकती है अगर हम कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और क्लाइडिंग के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम इंक्रीज कर दें, या रेशियो ए अपॉन लेमडा। ए जो है कोर का रेडियस होता है और लेमडा वेव लेंथ है, अगर ए अपॉन लेमडा का रेशियो भी इंक्रीज कर दें तब भी एन मैक्स मतलब नंबर ऑफ मोड इंक्रीज की जा सकती है। अब दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, अगर भी की वैल्यू जो कि हम भी नंबर से कैलकुलेट करते हैं, अगर भी की वैल्यू 2.405 से अगर कम है तो इसका मतलब कि जो फाइबर होगा वो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होगा। अगर भी की वैल्यू 2.405 से अधिक है तो इसका मतलब कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो मल्टी मोड फाइबर होगा, मतलब उसमें डिफरेंट मोड होंगे। मतलब जब लाइट इंसिडेंट होगा फाइबर में तो जो लाइट है उसमें आपस में सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल होगी, मल्टी मोड में सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल होती है, सिंगल मोड में सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल ना होकर स्ट्रेट लाइन में चलता है। और यदि भी की वैल्यू 2.405 है तब इसके कोरस्पॉन्डिंग इस वी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा सी इक्वल टू होगा लैम्डा वी अपॉन 2.405। वी की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं, यहां पे हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ। दोस्तों यदि हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के केस में लेते हैं और भी नंबर की वैल्यू अधिक होती है तब जो नंबर ऑफ मोड होता है उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन फोर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का मतलब होता है कि जब क्लैडिंग का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट होता है और कोर के सेंटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है, और कोर के सेंटर से जैसे हम क्लैडिंग की ओर मूव करते हैं तो कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, और जब हम क्लैडिंग के पास पहुंचते हैं तो क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। मतलब ग्रेडर इंडेक्स में कोर के सेंटर में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे कोर क्लाइडिंग इंटरफेस मतलब कोर क्लाइडिंग बाउंड्री के पास जम जाएंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाता है। लेकिन स्टेप इंडेक्स में कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, क्लाइडिंग का तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए एन मैक्स इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन फोर। दोस्तों ये हो गया वी नंबर, इसको नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो लाइट फाइबर में मूव करती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो फाइबर किस फ्रीक्वेंसी किस एनर्जी तक के लाइट को सपोर्ट करता है। किसी भी फाइबर में सभी एनर्जी वाले लाइट को हम इंसिडेंट नहीं कर सकते, जैसे व्हाइट लाइट होता है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, सभी तरह की लाइट सभी फाइबर में हम सपोर्ट नहीं कर सकते। इससे हम भी नंबर से पता कर सकते हैं कि किस तरह के फाइबर में किस तरह के लाइट को हम इंटर करेंगे और फाइबर का लॉस नहीं होगा। दोस्तों ये हो गया भी नंबर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। यह ऑप्टिकल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।